पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वनडे में भी डेब्यू किया है, और जैसे हर एक यंगस्टर का यही एम होता है कि जब शुरू खेल करता है खेलना कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और अच्छा करना है उसके लिए, तो यही कोशिश है मेरी भी कि आगे जहाँ भी जब भी मौका मिले अच्छा करूँ, रिप्रेजेंट करूँ जब भी इंडिया को और अच्छा परफॉर्म करूँ, टीम को जिताऊँ। इजी मुश्किल एज अ प्लेयर ऐसा कुछ सोचता नहीं है प्लेयर, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हम अपनी गेम को बहुत प्यार करते हैं और अपने टाइम को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसी में साथ में जब टीम के लिए अच्छा खेलते जाते हैं आप तो इतना सोचते नहीं है कि मुश्किल है ईजी है हमारे लिए, आप उस मोमेंट को सिर्फ इन्जॉय करने की कोशिश करते हैं और उसमें आप जब अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं तो और अच्छा लगता है आपको। लेकिन ऐसा कुछ पक्का नहीं होता कि आपने सोचा होता है कि मैं मेन बॉलर बनना चाहता हूँ या फिर एक साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। ज़्यादातर ये होता है कि जैसे आज मेरा मैच है या फिर कल मेरा मैच है तो उस पर बंदा ज़्यादा फोकस करता है और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है एज अ प्लेयर और एज अ टीम भी। एज अ बॉलर ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है मैंने, कुछ डिफरेंस है इसमें मेनली जैसे मेरा वे है बॉलिंग का, थोड़ा अटैक करता हूँ स्टार्टिंग में, लास्ट में डिफेंसिव डालता हूँ, तो मेनली यही पर्पस इसमें भी सेम रहता है कि स्टार्टिंग में विकेट लेके दे टीम के लिए, वही T20 में भी होता है, और लास्ट में टीम के लिए रन रोकने हैं, तो मेनली ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने कि कोई डिफरेंट लग रहा है या फिर कोई डिफरेंस होगा। यही है कि जहाँ पे भी टीम मौका देगी बॉलिंग डालने का वहाँ पे अच्छा करूँ। डील जैसे पहले बताया कि हम तो जैसे बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट को और हम इन्जॉय करते हैं अपनी गेम को, क्योंकि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं वही खेलने का हमें मौका मिल रहा है प्रोफेशनली, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो करते हुए। और जैसे आपने बोला डील कैसे किया, डील ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसे जितने भी लोग हैं जितने फैंस हैं वो काफ़ी प्यार करते हैं गेम को, तो जब प्लेयर अच्छा करता है तो काफ़ी प्यार मिलता है, जब अच्छा नहीं करते उन्हें भी बुरा लगता है तो वो अपने इमोशंस को बयान करते हैं हमारे सामने, तो आई गेस उनका भी यह हक है कि क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया के लोग हैं, वो गुस्सा भी कर सकते हैं प्यार भी कर सकते हैं, हमें बस दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए अच्छे से। लेकिन वो अर्शदीप की सेना वाले टी शर्ट भागड़ा आपके नाम पे गाने लिखते हैं वर्ल्ड कप में हमने देखा, वो सब चीज़ें आप सुनते हैं तो फिर उस समय कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा लगता है लोग जब अपनी फीलिंग्स को बयान करते हैं या फिर अपने इमोशंस दिखाते हैं किसी प्लेयर के रिगार्डिंग या किसी टीम के रिगार्डिंग, काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको प्यार मिल रहा है। लेकिन मेनली यही फोकस रहता है एज अ प्लेयर एज अ टीम के आप स्टेबल रहें, चाहे आप अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर वे में अपने आप को कंटिन्यू करें आगे। इमोशंस काफ़ी अच्छे थे, ऐसा कुछ कह नहीं सकता कि एकदम काफ़ी हाई हो गए हैं, काफ़ी लो हो गए थे, यही था कि कुछ ज़्यादा चेंज लगा नहीं मेरे को, क्योंकि नॉर्मली ऐसे काफ़ी अपने आप को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो काफ़ी फन लविंग पर्सन हूँ, तो वही कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी कोई भी फॉर्मेट हो कोई भी मैच हो तो उसको इन्जॉय करने की कोशिश करूँ पूरी, और साथ में जैसे टीम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जितने सीनियर्स हैं या फिर साथ वाले जितने भी हैं कोचेज़ हैं तो वो ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि आप पूरा इन्जॉय करते हैं, पूरा फन करते हैं ड्रेसिंग रूम में भी, और ऐसा कुछ प्रेशर फील नहीं हो पाता आपको, तो आई गेस काफ़ी अच्छा माहौल है उसमें। पहले जैसे अपने वेदर का बोला, वो हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़ें जो कंट्रोल नहीं कर सकते हम, तो अपना यही रहता है कि जब भी मौका मिले अच्छा करें हम, और अगर ब्रेक्स लगती भी हैं मैच में तो मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहें, फिजिकली हमेशा प्रिपेयर रहें कि कभी भी गेम शुरू हो सकता है, और जैसे आपने बोला मैचेस में तो हमारा मेन फोकस यही रहता है कि प्रोसेस अच्छा फॉलो करें अपना और प्रिपरेशन अच्छे से किया जाए, मैच का रिजल्ट जिस दिन जो टीम अच्छा खेलती है उसकी तरफ जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है कि प्रोसेस अच्छे से फॉलो किया जाए और प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे और जो प्लान्स बनते हैं उन्हें मैच में एग्जीक्यूट किया जाए। जैसे पहले बोला जैसे वनडे थोड़ा लंबा गेम हो जाता है तो उसमें पार्टनरशिप काफ़ी काम आती है, जैसे बैट्समैन की पार्टनरशिप है वैसे बॉलिंग की भी पार्टनरशिप है, तो वो ऑन अ गिवन डे देखा जाएगा अगर उस तरह दूसरी तरफ से जो गेंदबाज बॉल डाल रहा है अगर उसको ज़्यादा हेल्प मिल रही है तो मैं इधर से रन रोकूं और उधर से वो विकेट लेता रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टीम का सक्सेस ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल सक्सेस से, तो यही फोकस रहेगा कि उस दिन जो अच्छा किया जाए, अगर मैं अटैक कर रहा हूँ तो साथ वाला मेरे को सपोर्ट करें या फिर दूसरा अटैक कर रहा तो मैं सपोर्ट करूँ, तो यही मेन मोटो रहता है टीम का। उमरान के साथ वैसे माहौल काफ़ी अच्छा रहता है ड्रेसिंग रूम में भी, और वैसे भी काफ़ी उसे भी काफ़ी पसंद है मजाक वगैरह करना, और जैसे आपने बॉलिंग की बात करी तो उसमें आई गेस मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि 155 से सीधा 135 से जब खेलने आता है बैट्समैन तो डिसीव हो जाता है पेस से, तो आई गेस काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम एक दूसरे को बॉलिंग में भी और ऑफ द फील्ड भी, और आगे भी ये कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप चलती रहे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।